हेलो फ्रेंड्स, आज हम लटकन बनाना बताएंगे कि लटकन किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, पहला जो सभी बनाते हैं, तो कपड़े को लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे तिकोने में। तो ये 3x3 का कपड़ा है, तो इसको ऐसे कोने से फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पर डोरी डालेंगे और फिर से फोल्ड कर देंगे। तो इसको ऐसे करके ये सिलाई लगा लेंगे। ये वाली लटकन सभी बनाते हैं, ये गलत तरीका है, इससे सिलाई सब दिखती रहती है। तो आप दूसरे तरीके से बताएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए कि ये कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिए, इसकी सिलाई सब दिख रही है, अंदर से जो दिखता रहता है कट पीट सब कुछ, तो ये दिख रही है, ये देखिए दिख रही है। तो चलिए हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ये कपड़े बनेंगे और ये कपड़ा का लेंथ है 4x4 है, तो आप इसको ले लीजिए और ऐसे कॉर्नर से फोल्ड करिए बीचों बीच, ये फॉर्म निकालिए, फिर इसको ऐसे बीच से फोल्ड करिए, तिकोना बना लीजिए समोसा का, और यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे दीजिए आप। ये गोलाई हो गई, अब यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से करके अब यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। तो ये डोरी आप सेंटर में रखिए और इसको ऐसे पकड़िए, फिर से सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाते हुए आप जाइए और आधा इंच से भी कम या आधा इंच ही आप छोड़ दीजिए वहाँ पे पलटने के लिए। तो यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे गुलाई दिए थे, हल्के से डोरी को खींच लीजिए, पूरा डोरी को बाहर नहीं निकालना है आपको। तो यहाँ से कॉर्नर पे किसी चीज़ से पलट लीजिए आप, ले आके पकड़ के लेंगे, और जो डोरी जहाँ पे अटैच किए तो उसे बाहर ही रहना है, उसे आप बाहर तक मत खींचिएगा और उसे फिक्स कर दीजिए, करके कट करके निकाल लीजिए। आज इसको पलट के देखिए, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए, आपको कहीं भी कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी, कट पीट नहीं दिखाई देगा उसका, जो अंदर से देखिए दोनों में अंतर देखिए। इसका ये कपड़ा निकला हुआ है, ये जो स्टिच किए हैं, कट किए हैं, और इसमें कहीं भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाइए। अब दूसरे फिर से आपको दूसरे में बना के समझाते हैं कि ये ऐसे कपड़े बनेंगे। ऐसे थोड़ा सा इसको गुलाई भी दे दीजिए और फिर आप अपनी डोरी लीजिए, ये डोरी को इस तरह से रखिए, फिक्स करिए सिलाई को, और आप उसी तरह से सिलते हुए राउंड में चले आइए। तो यहाँ पे आपको वही आधे इंच आपको छोड़ देना है, पूरा सिलाई नहीं लगाना है अंत तक, यहाँ पे आप सिलेंगे, कट कर दीजिए और ऐसे निकाल दीजिए। अब देखिए सेंटर पॉइंट, यहीं से आपको वही वाला कपड़ा पकड़ के बाहर नहीं खींचना है आपको। आपको ऐसे ऐसे करके वहां पर पकड़ के रखना है कॉर्नर में, इस तरह से ऐसे आप फिक्स सिलाई लगा दीजिए। फिक्स सिलाई लगा कर लीजिए, दोनों देख लीजिए, रेडी कर दिया मैंने। तो दोनों को आप देख सकते हैं कितना सुंदर से बना है। चलिए हम दोनों को लगा कर दिखाते हैं, देखिए एक की सिलाई दिख रही है, एक की नहीं दिख रही है। अब हम इसमें ये ऊन लगाएंगे बालों वाले, इसको ऐसे लेके पलट के और इसमें सिल देना है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे आपको करके दो तीन बार आप राउंड करके सिल दीजिए। इसमें देखिए इस तरह से लगा के पलट लेंगे, इस तरह से सिल, देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है, रेडीमेड लुक दे रहा है बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना गजब लग रहा है। तो अब इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे अच्छी लगी कहाँ पे नहीं।